हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। 69,000 शिक्षक भर्ती, फाड़ू खबर। आखिरकार सरकार पहुंच गई डबल बेंच। आज फाइल होगा डबल बेंच में केस। बीएड वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। 13 क्या होगा 40-45, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो यही हाल हो गया है। इसमें पहले भी जब 40-45 दिया था तब भी बीएड वाले कह रहे थे कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब यहाँ पे ये गाना एकदम सटीक बैठा है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी के तेवर, हमारा नाम है योगी आदित्यनाथ। तरह तरह के मीम्स जो हैं वायरल हो रहे हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं पूरी चीज़ें कि केस से संबंधित, उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी मीम्स की तथा इंटरेस्टिंग खबरों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45% पासिंग मार्क्स के विरुद्ध प्रकरण में लखनऊ पीठ में आप देख सकते हैं क्या किया गया है। पदार्पण हो ही गया लीगल प्रोसेसिंग के अनुसार, यानी कि लखनऊ टीम में 40-45 के खिलाफ क्या हो गया, एंट्री हो गई है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग के अनुसार सरकार ने आज टीम रिजवान के अधिवक्ताओं को नोटिस रिसीव करा दिया। नोटिस रिसीव होने के बाद ही कोई पार्टी स्पेशल अपील फाइल करती है। तो जो है रिजवान अंसारी इनके साथियों को क्या की गई है कि नोटिस प्रदान कर दी गई है। हालांकि आज सरकार की स्पेशल अपील फाइल नहीं हुई, कल सीजे चीफ जस्टिस कोर्ट में ही परमिशन टू फाइल हो जाएगी। तो कल जो है आपकी फाइल हो जाएंगी चीज़ें। सरकार पूरी तैयारी के साथ स्पेशल अपील में आ रही है, तो ये एक अच्छी खबर है। सरकार पूरी तैयारी के साथ 60-65 का बचाव करेगी अब यहाँ पे, और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे सरकार जा रही। यानी कि अब ये समझ लीजिए कि ये भर्ती प्रक्रिया, सबसे पहली बात तो है कि कम से कम अब यहाँ से मान लीजिए कि 3 महीने और, मान लीजिए आप 3 महीने और के लिए ये भर्ती प्रक्रिया फंस चुकी है। तो आगे हम कुछ और इंटरेस्टिंग मीम आपको मीम्स दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स लोगों द्वारा शेयर किए जा रहे हैं। सरकार गई डबल बेंच, लीगल टीम का दिल से आभार, सुनो चच्चा तेरी तो कह के लेंगे जय श्री राम। तो ये एक अभ्यर्थी का मीम्स है। और दिख आपको बारात तो आ गई थी, अब दूल्हा भी आ गया है, अब दुल्हन 60-65 तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो ये भी इंटरेस्टिंग मीम्स, देखिए इंटरेस्टिंग मीम्स लोगों द्वारा शेयर किए जाते हैं, अच्छा लगता है। सबसे अधिक इंटरेस्टिंग तो ये मीम्स हमें लगी, योगी आदित्यनाथ नाम है हमारा। तो ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग मीम है, जिन्होंने भी ये काफ़ी ढूंढ के निकाला है उनको एक बार धन्यवाद। देखिए कुछ और हम इससे संबंधित अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए दो तरह के कट ऑफ से असमंजस बरकरार है। देखिए परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासन की ओर से कटाफ सवालों के घेरे में है। घोषित कटाफ को हाईकोर्ट की अलग अलग पीठ में चुनौती दी गई। दोनों न्यायालय में लंबे समय तक सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जा चुका है। खास बात है कि फैसले में दो तरह के निर्देश दिए गए, इसमें शासन व परीक्षा संस्था असमंजस में है। आखिर किस आदेश का पालन करे, इसलिए शासन को बड़ी बेंच की चुनौती देने की ओर बढ़ा है। तो आपने देखा है कि चुनौती दे जा चुकी है, कल फाइल हो जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 1 दिसंबर 2018 को जारी हुआ। लिखित परीक्षा 6 जनवरी को कराई गई और 7 जनवरी को शासन ने भर्ती कट ऑफ अंक तय किया। सामान्य वर्ग के लिए 60-65 वर्ष तथा आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक पाना अनिवार्य था। इसके बाद ही अभ्यर्थियों का एक वर्ग खासा नाराज है और इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। खास बात यह है कि एक प्रकरण की 2 याचिकाएं रिजवान अहमद ने लखनऊ खंडपीठ और रीना सिंह व अन्य ने मुख्य पीठ इलाहाबाद के समक्ष दायर की। दोनों पीठों ने स्थानादेश जारी कर
करके परीक्षा संस्था व शासन से जलब तलब जवाब तलब किया। दोनों पीठों में लंबी सुनवाई चली। आखिरकार लखनऊ खंडपीठ की न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान के ने बेंच में आदेश दिया कि 68,500 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के अंक पे इसका भी चयन हो। वहीं रीना सिंह व अन्य याचिका में न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने आदेश दिया कि भर्ती के शासनादेश में दिए गए प्रावधान के अनुसार भर्ती की जाए, यानी कि सरकार ने जो डिसाइड किया है उसी अनुसार से आए। तो इस वजह से काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है। 68,500 शिक्षक भर्ती में था विवाद, कटाव को लेकर 68,500 शिक्षक भर्ती में विवाद हुआ था और वह शासन ने ही कराया। शासनादेश ने जिस कटाव का उल्लेख किया था उससे इतर कटाव लिखित परीक्षा के 5 दिनों पहले जारी किया। यह प्रकरण भी कोर्ट में पहुंचा, हालांकि न्यायालय ने शासनादेश के कटाव को ही माना और उसी पर चयन हुआ। तो आप देख सकते हैं मुख्य खंडपीठ ने भी 69,000 में भी वही माना है 60-65। इसका साफ साफ मतलब है कि सरकार और अभ्यर्थी बीएड वाले निश्चिंत रहें, इनका लगभग होना तय है और ये सिलेक्शन एकदम पा जाएंगे बकायदे और यही होंगे। और अब शिक्षा मित्रों के लिए वही रास्ता बचा है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, यानी कि सरकार जो 25,000 का लगभग बना रही है कि 25,000 पे आप काम करिए और 25,000 आपको मिलेगा और वेतन भत्ते अलग से मिलेंगे, तो ये एक अच्छा उपाय है। सरकार ने भी इनको भी खुश कर दिया है, काम भी कर लिया अपना। तो ये रही इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।